बाल को बाल कहो, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, आज होली है और कल गौर पूर्णिमा। उसी के उपलक्ष में आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब प्रेमलता का पति तहसीलदार, क्या नाम था उसका, दोनों आए, कहते हैं रिट्टी में आपको जगह देनी है। मैंने कहा ठीक है, दे दो। जगह दी, फिर वो प्रेमलता माता कहती है, महाराज ऐसा है, वो जगह को बेचो और पैसे उधमपुर में लगा दो। मैंने कहा नहीं, वहाँ मंदिर बनाना है। जो प्रीत आज मंदिर बन गया और आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखो, हम कलियुग के लोग जीवन के उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य जो हम लोगों ने समझ रखा वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है और उनसे मेरा क्या संबंध है। यहाँ से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। पशु पक्षी जो हैं वो ये प्रश्न अपने आप को नहीं कर सकते। पशु पक्षी जो हैं, खाना पीना सोना, हितोपदेश में भगवान वेदव्यास ने एक श्लोक लिखा है, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य बेतात पशु भे नराणाम, खाना सोना अपनी रक्षा करना और मिथुन, ये चार का मनुष्य और पशु में एक समान है। फिर अंतर क्या है, धर्मों की तेजा, हम लोग धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्मों की तेजा अधिको विशेष, अधिक विशेषता यही है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है, भगवान के नियम। मनुष्य शरीर में आकर के अगर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो हम पशु के समान हैं, बल्कि पशु से भी गे गुजरे हैं। तो कलयुग में कल के दिन आज एक होली है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण राधा भाव में प्रकट हुए। हम कलयुग के लोगों को हमारे जीवन का उद्देश्य बताने के लिए कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बात याद रखो आप कि एक दिन हम सबको बड़ी परीक्षा में बैठना है। बड़ी परीक्षा क्या है, इस दुनिया से जाने की। उस समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कर सकता कोई किसी की मदद रीति में, यहां भी नहीं। तो मदद करने वाले हमारे बस भगवान हैं,
कृष्ण है। तो हमने कृष्ण भगवान को मिलना है। तो ये मनुष्य जन्म श्री कृष्ण को मिलने के लिए मिला हुआ है। तो हम सब ने, आप रिटि निवासियों ने मौका है आपको, ये मंदिर हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की कृपा से, पंचतत्व की कृपा से स्थापित हुआ है। अभी देखो, मुझे जब प्रेमलता कहती है मारे इस जगह को बेच लो आप, पैसे यहाँ लगा लो, मुझे नहीं। तो बड़ा अच्छा श्री केशव और कंपनी उसकी जो है वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले सुदर्शन ने भी सेवा की, यहाँ शुरुआत सुदर्शन ने की, हाल चाल बनाया। तो देखो, याद रखो एक बात को, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना कुछ भी? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। इस दुनिया में हमने सदा नहीं रहना, तो कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते, फिर क्या करना है? और भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं, भगवान कहते हैं, यत करोषि यद अश्नाषि यद जोहोषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेया तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। ऐसा क्यों भगवान क्यों कहते हैं उनके लिए? क्योंकि हम उन्हीं के हैं और आज हम भगवान से अलग हो चुके हैं और ये जन्म मन के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो अभी हमने भगवान की तरफ मुड़ना है, भगवान के श्री चरणों में मन को लगाना है, उनको जीवन का केंद्र बनाना है, याद रखो। और सर्वशक्तिमान भगवान मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, विग्रह रूप भगवान का, और उसकी हम सेवा करके अपनी दिनचर्या को बदल सकते हैं। तो हमें सब कुछ भगवान के लिए करना है, अपने लिए क्यों नहीं करना? अपने इसलिए ना, तो हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के हैं। हैं हम यहाँ के? रिट्टी वाले होंगे, हैं? अभी कहाँ के हो गए? नहीं है, समझते नहीं है ना। अगर हम ये समझ लें, जीवन सफल हो जाए। जीवन की सफलता इसी में है कि हम भगवान के हैं। जैसे ऐसा हमें सोचना है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा
उसे तू देता मैं आया द्वारे तेरे नगलाल सवरिया मेरे तुम दीन मंदु हितकारी मैं दुखिया शरण तिहारी काटो जन्म मरण के फेरे नंद लाल कमरिया मेरे हम दीन हीन संसारी एक आशा नाथ तिहारी तेरे चरण कमल के चेरे नंद लाल कमरिया मेरे निशी बासर ध्यान लगाऊं निशी बासर ध्यान लगाऊं तेरी पद रज शीश चढ़ाऊ गुण गाऊ सांझ सवेरे गुण नंद लाल कमरिया मेरे तुमने लाखों पापी तारे नहीं कुछ गुण दोष बिचारे खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे खड़ा नंद लाल कमरिया मेरे भव सागर में भटक रहा हूँ बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ प्रभु बन के आ जाओ चेरे प्रभु बन आ जाओ बेरे नंद लाल मेरा अब सागर में भटक रहा हूँ बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ प्रभु बन के आ जाओ बेड़े
नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे हरी वो जय नंदलाला जय नंदलाला मुरली वाला मुरली वाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय नंदलाला जय गोपाला जय गोपाला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय बोलो मुरली वाले भगवान की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की तो मेरे प्यारे रिटी निवासियों बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो हमारा संसार में कोई नहीं है हमें लगता है मेरी माँ मेरा बाप मेरी पत्नी मेरा पति मेरा चाचा मेरा ताऊ मेरी बेटी मेरा बेटा ऐसा कहा है ये जितने रिश्ते नाते हैं ये बस मरघट तक ही जाते हैं नाते रिश्ते जो हैं जहाँ शमशान घाट तक जाते हैं बस मरघट तो हम लोग जो हमारे अपने हैं जिनसे संबंध जोड़ने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया था उनको हम भूल गए हैं तो मेरे प्यारे रिटी निवासियों हमें भगवान को नहीं भूलना खाना पीना भूल जाओ सोना भूल जाओ लेकिन भगवान को नहीं भूलो संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है और भगवान ने भी कहा है गीता में संत कबीर ने कहा है दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान संत कह रहे हैं अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो दो बातों को नहीं भूलना एक मृत्यु को दूसरे भगवान को याद रखो हम यहाँ संसार के नहीं हैं थोड़े समय के लिए ज़्यादा ज़्यादा 100 साल तक आदमी रह सकता है कलयुग में उम्र कम हो गई है फिर उसको जाना पड़ता है यहाँ से कहाँ जाना ये कोई नहीं सोचता तो इसके बारे में क्या ताकि अंत मता सो गता अगर अंतकाल में
हमारा जीवा पर भगवान का नाम आ जाता है तो फिर भगवान मिलते हैं। गीता की 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति निसत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो अंतकाल में भगवान का स्मरण कैसे होगा? अगर जीवन काल में किया होगा तो देखो, हम कुछ भी काम करते हो ना हाथ से, लेकिन जीवन से भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद रखो, उसी में हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं है। तो कल गौर पूर्णिमा है, आज होली है, तो गौर पूर्णिमा के दिन, कल के दिन भगवान कृष्ण जो हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिनका ये हरे कृष्ण आंदोलन है। देखो पहले कौन सोचता था कि यहाँ मंदिर होगा, लेकिन आज गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा सबको दी। आज गुरुदेव और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यहाँ मंदिर है, लोग आप लोग आ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, यही जीवन है। हमारा जीवन ये नहीं है कि खाना पीना सोना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय में तो नच, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना, ये तो मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। हम खाते हैं पशु खाते हैं, हम सोते हैं पशु सोते हैं, हमारे बच्चे हैं पशुओं के भी बच्चे हैं। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम भी उस लड़ते हैं, उससे अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी। एक छोटी सी चींटी को पकड़ने का प्रयास करो वो भी अपना बचाव करती है। अंतर यही है कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं। तो वृत्तिवासी अच्छे हो सब, और अच्छे बनो, भक्ति करो, घर घर में हरि नाम करो, इससे देखो कि हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। स्वास्थ्य मेरा कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन श्री केशव कहते हमारे बहुत लोग आ रहे हैं, आपने आना है, तो हम आए, हमें खुशी हुई देखकर सब। तबीयत ठीक ना होने पर मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको यही कहूँगा कि महामंत्र का जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आओ, रिटी गाँव के सब लोगों को सूचित करो, सबको भक्ति में लगाओ। तो मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो कि ये नहीं है कि मंत्र आपने अपने घर में जो मंदिर में बैठ कर ही चलते फिरते भी इसको जपते रहो, उठते बैठते खाते पीते नाम जपते रहो, नाम को कभी नहीं छोड़ना। कोई पता नहीं कब जीवन का अंत आ जाए, इसलिए नाम का सहारा लेना है, नाम जपना है। तो ये नाम जब अपना शुरू करोगे तो इससे पहले दो मंत्र और बोलने हैं, सुमेरु जो बड़ा पर्वत, सुमेरु जो मन का
तुलसी में होता है, माला में होता है। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व जप करने से पहले जरूर एक बार जप लेना। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु, गदाधर राधा श्रीवास नारद जी का अवतार हैं। ये हमारी मदद करते हैं, बड़े दयालु हैं सारे ही। और इससे पहले एक मंत्र और बोलना है, मेरे पीछे बोलो, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ये मंत्र भी एक बार बोल लेना पंचतत्व मंत्र से। पहले ये पहला मंत्र नमः ओम जय श्री कृष्ण चेतन, फिर महामंत्र का आपने जप करना है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा